प्रणाम। मॉर्निंग योगा डे वन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सब ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आसन और जो भी प्राणायाम, जो भी ध्यान आप करेंगे, आपने बहुत अच्छी तरह से उसको सीखना है और फिर उसको अपने अपने अभ्यास में लगाना है। आज के अभ्यास में आप 6 आसन देखेंगे। पहला आसन होगा आपका वज्रासन का, दूसरा आसन है संतुलन आसन, और तीसरा चौथा आसन है आपका अष्टांग प्रणाम और भुजंग आसन का, पांचवा सीधे खड़े होने वाला आसन है जिसे समस्थिति भी कहा जाता है, और छठा अभ्यास होगा सुखासन में बैठना, सिद्ध मुद्रा लेके ध्यान करना। तो इन 6 आसनों के संगम से आज आप अपना पहला दिन पूरा करेंगे। तो बहुत आराम से बड़े ठहराव के साथ प्रैक्टिस करिएगा। सांस का बड़ा ध्यान रखना है। हर आसन में आपने याद रखना है कि क्या आप इनहेल कर रहे हो और कैसे आप एक्सहेल कर रहे हो। तो रुक रुक के अभ्यास करिएगा और कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी और दूसरे विचार को लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मन लगा के अपना योगाभ्यास करना है। तो आप सब की बहुत अच्छी मेहनत हो, बहुत अच्छा अभ्यास हो, ऐसे मेरी भगवान से प्रार्थना। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो शुरुआत करते हैं आज की, और आज का अभ्यास 6 आसनों का है। बहुत आराम से उनको आपने सीखना है और बहुत ध्यानपूर्वक उनको करना है। तो शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले तो सुखासन में बैठ जाओ। पीठ सीधी रखनी है, इस प्रकार से आपने आलती पालती मार के बैठ जाना है। हाथों को प्राप्ति मुद्रा, हाथ को इस प्रकार से करके अपनी नीज के ऊपर, घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना है। सीधा शरीर हो, सीधी पीठ हो, आंखें बंद कर लेनी है। 5 बार इनहेल और एक्सहेल करना है छाती से, और 5 बार इनहेल एक्सहेल करना है पेट से। बहुत धीरे धीरे करिए इसको। पूरा महसूस करना है आपने कि किस प्रकार सांस अंदर जा रही है, वो ठहराव, और कैसे बाहर आती है। 3 हुए, अभी छाती में भर रहे हैं आप। एक अंतिम बार और फिर बाहर। 5 बार हो गया। 5 बार पेट के साथ करना है, यही प्राणायाम, शांत प्राणायाम। पेट में भरा और फिर पूरा पेट खाली कर दिया। फिर से भरो। चौथी बार और फिर एक अंतिम बार। अच्छा, आपने पेट को फुला लेना है फिर बाहर की तरफ, और जब दोनों से हो जाए तो फिर छाती से और पेट से दोनों से बराबर करना है। सांस भरो और फिर बाहर की तरफ। फिर से लो। फिर से लो। और एक अंतिम बार, और बहुत आराम से छोड़ दो। बड़े आराम से आपने अपने शांत प्राणायाम से बाहर आ जाना है। 6 आसनों में पहला आसन है आपका वज्रासन का। तो कैसे करना है उसको, इस प्रकार से दोनों घुटनों को ऐसे जोड़ लेना है, पीठ सीधी रखनी है, हाथों को आगे ले आए, यह आपका वज्रासन हो जाएगा। इसमें बड़े ध्यान से, बहुत आराम से सांस भरते रहना है, सांस छोड़ते रहना है। पीठ सीधी रखनी है, हाथों को भी सीधा रखना है।
ये इस प्रकार से नहीं आप वज्रासन करेंगे, हाथों को बाहर रखना है नी के ऊपर इस प्रकार से, और मजबूत होकर बैठना है। वज्र का अर्थ मजबूत है, शक्तिशाली है, तो वज्र की तरह शरीर हो जाता है आसन करने से। तो इस प्रकार से आपने सीधे रहना है, आगे देखते रहे और सांस लेते रहना है, सांस नहीं रोकनी है। बहुत आराम से आसन से बाहर आ जाओ। तो ये आपने लगभग कोशिश करनी है कि जितना लंबा हो उतना अच्छा। आज के अभ्यास में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट हमने इसको किया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आसन है संतुलन आसन का। संतुलन आसन भी आपने लगभग 1 से 2 मिनट का इसका अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, आ जाओ, होल्ड कर लिया आसन को, और यहाँ पर सांस क्या होगी, एक्सहेल का होल्ड है। तो इनहेल कैसे लेंगे, ऊपर देखते हुए, और फिर एक्सहेल किया, अब यहां होल्ड कर लेना है। यह आपका दूसरा आसन है। तो अभी शुरुआत है, इसलिए हम लगभग 15 से 30 सेकंड का इसका होल्ड का अभ्यास करेंगे, और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में बढ़ते जाओगे, फिर 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10-10 मिनट का इसका होल्ड करना, बहुत अच्छा इससे लाभ मिलता है। बहुत आराम से आसन से बाहर आ जाएंगे। कैसे, नी नीचे रखनी है, रुकना है, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले गए, और फिर से वज्रासन में ऐसे बैठ गए, रुक जाना यहाँ पर। तो वज्रासन से संतुलन आसन, संतुलन आसन से पीछे वज्रासन, तो ये क्रम हो गया इसका। फिर से आ जाओ, दोनों पांव पीछे जोड़ लिए, पीठ सीधी रखी, इनहेल करके ऊपर देख लो, और एक्सहेल करके ऐसे रुक जाना है आपने। बस बने रहना यहां पर। आपके ऊपर के शरीर को मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, हाथों की भी शक्ति बढ़ाता है, छाती की भी शक्ति बढ़ाएगा, पेट को भी, पेट से फैट भी कम करता है और मजबूत भी बनाता है। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ नीज पर गए, पीठ सीधी रखी, श्वास लेते रहें। जब वज्रासन में आ रहे हैं तो सांस लेते रहना है। फिर से एक बार, हाथों को मजबूती से रखा मैट पर, और दोनों पांव जोड़ लिए, और इस प्रकार से आपने अपने आसन को ले लेना है। ये है आपका संतुलन आसन, संतुलन प्लैंक, बैलेंस बनाता है आपका ये। बस बने रहना यहां पर। दूसरा आसन कर रहे हो अभी आप, फिर बड़े आराम से नीचे रखा नीज को, सांस ली और पीछे की तरफ चले गए, दोनों नी साथ में है, हाथों को आगे की तरफ फैला दिया, फिर से वज्रासन में आ गए, सांस लेते रहे यहां पर। आराम से आ जाइए आगे। तीसरा आसन है आपका भुजंग आसन। तो उसके लिए क्या करना है, नीज को नीचे रखना है, पीछे दोनों अंगूठे, बड़े अंगूठे जमीन पर हैं, हाथ को भी मैट पर रखा, और दोनों कंधे नीचे ले जाके हाथों के बीच में रख देने हैं, और आपकी चिन जो है, ठुडी जो है, वो मैट को टच नहीं करेगी, वो ऊपर ही रखनी है। तो कंधों को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करो हाथों की तरफ, और गर्दन को थोड़ा ऊपर लगा के रखो। यह आपका हो जाएगा अष्टांग प्रणाम। यहां से उठाना है आपने भुजंगासन इस प्रकार से, और ये पेट पर रखने वाला आसन है। बहुत धीरे धीरे ऊपर देखना है, फिर चले जाओ नीचे, और तीसरा और चौथा आसन दोनों साथ में होते हैं। जैसे पहला और दूसरा हुआ, ऐसे ये तीसरा चौथा हम साथ में करेंगे, अष्टांग प्रणाम और भुजंगासन। बहुत आराम से पांव पीछे जुड़ जाएंगे, पेट पर रहना है, नाभि पर प्रेशर रखना है, फिर ऊपर देखें, यहां पर रुकना है, और पूरी तरह से नीचे ऐसे भी आ सकते हैं आप,
फिर उठाओ, फिर चले जाओ नीचे, फिर उठाओ, फिर चले जाओ। जाइए फिर से अष्टांग प्रणाम में रोक के रखो, हाथ देखो पूरी तरह से नीचे हैं, और फिर पुश करना है शोल्डर को, कोशिश करना है कि चिन ऊपर ही रहे, क्योंकि अष्टांग प्रणाम है, आठ अंग जमीन को छुए, इति अष्टांगास। ऊपर उठा रहे हैं पेट के बल, पीठ को पीछे की तरफ पुश करना है, ऊपर देखा, बहुत आराम से छोड़ दिया से। अब इन चारों आसनों को साथ में देखिए, चार आसन कर लिए, फिर रुक गए, थोड़ा सांस ले ली, थोड़ा आराम कर लिया, फिर इन चारों आसनों का अभ्यास करना है। इस प्रकार से वज्रासन हुआ, आगे आ जाओ, संतुलन आसन होगा, ऊपर देखा, एक्सहेल करो, नीज नीचे रखो, चेस्ट और शोल्डर दोनों नीचे की तरफ, दोनों हाथों के बीच में, तीसरा हुआ, चौथा उठाओ ऊपर, दोनों पांव पीछे जोड़ के रखने हैं, ऊपर की तरफ ऐसे उठा लिया, ये आपका भुजंगासन हो गया, कोबरा पोज। यहां से बहुत आराम से नीचे आ गए। अब इसी भुजंगासन को ये इस प्रकार से 10 से 15 बार कर लो, इससे बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही में हाथ की शक्ति भी बढ़ती है, हाथ भी मजबूत होते हैं आपके, कंधे भी मजबूत होंगे। फिर से लिया ऊपर और बहुत आराम से नीचे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर उठाया शरीर को पीछे की तरफ, इस तरह से पुश किया शरीर को, ऊपर आ जाओ। अब यहां पर खड़े हो जाना है समस्थिति में, पांचवा जो आसन है आपका वो हम समस्थिति में यहां पर रोकेंगे, इसको हाथों को फैला के रखना है इस प्रकार, पीठ सीधी रखनी है, और आंखें बंद कर ली और ये देखा कि शरीर की जो मूवमेंट हो रही होती है आप उसको कैसे बैलेंस करते हो। बहुत आराम से फिर हाथ जोड़ लेने हैं, आंखें बंद करके प्रणाम करना है और समापन करेंगे अभ्यास का। बैठ जाइए, बैठना है सुखासन में, सुखासन में बैठ के सिद्ध मुद्रा ले ली, लेफ्ट हैंड नीचे रखा, उसके ऊपर राइट हैंड रख लिया इस प्रकार, आंखें बंद कर ली, शांत होने दिया शरीर को, श्वास लेते रहे और ध्यान रखना है कि सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर जा रही है, बस फिर धीरे 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 करके पूरी तरह से बाहर आ जाना है, रुक जाना है। तो इस प्रकार आपने अपना अभ्यास किया, थोड़ा और शांत हुए, मन शांत किया, शरीर को शांत किया, आत्मा शांत की, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए। तो आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं, आपके और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे, प्रणाम।